ब्लैक डेथ यानी डेथ वारंट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा है। यह एक नई समस्या है जो इस वक्त भारतवर्ष के सामने आ गई है और यह बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो मैं ये समझता हूं हम लोगों का जान लेना जरूरी है कि आखिर ये है क्या, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या कॉजेज होते हैं और यह कब होता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही चार तथ्य लेकर आया हूं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज विश्व के सामने एक नई समस्या आ गई है और वह है म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस। वो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो 50% केसेस में फेटल होता है, मरीज की जान ले लेता है, वो फंगल इन्फेक्शन जो कोविड के ठीक होने के 2 से 3 हफ्ते के बाद मरीजों में वापस लौट रहा है, वो फंगल इन्फेक्शन जिसमें पहले अगर 2 मरीज आते थे किसी नर्सिंग होम में 1 महीने में, तो वहाँ पे नर्सिंग होम फुल हो रहे हैं। तो यह जो ब्लैक फंगस है साथियों, यह बहुत बुरी स्थिति पैदा कर रहा है और मैं समझता हूँ ये वीडियो मेरा इसलिए बनाना ज़रूरी है कि हम सबको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। तो साथियों, आज हम आपको यही बताना चाहते हैं। सबसे पहले साथियों, जान लेते हैं ब्लैक फंगस होता क्या है। ब्लैक फंगस साथियों, इसका जो साइंटिफिक टर्म है वह म्यूकरमाइकोसिस है। यह कोविड होने के 2 से 3 हफ्ते के बाद होता है। इसमें यह फंगस आपके जौ तक पहुंच जाता है और जौ के बाद ब्रेन तक पहुंच जाता है और अगर ब्रेन में यह पहुंच गया तो इसको डेथ वारंट कहते हैं, यानी मरीज की मौत लगभग निश्चित हो जाती है। तो ऐसी बुरी स्थिति इस वायरस की है साथियों। दूसरी बात बता दूं, यह डायबिटिक पेशेंट इससे ज़्यादा रिस्क पर हैं। तीसरी बात साथियों बता दूं कि यह आपके ब्रेन के इन्फेक्ट कर देता है और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जब यह ब्रेन पे इन्फेक्ट करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में साथियों, एक बहुत बड़ा ये समस्या समाज के सामने क्रिएट हो रही है। इसकी अवेयरनेस की बात है साथियों, तो सबसे पहले हम इसके सिम्टम जान लेते हैं। सिम्टम ही अवेयरनेस का पहला बिंदु होता है। इसमें साथियों सिम्टम होता है, मरीज को फीवर आता है, मरीज के जो मेन बात है आँखों के अंदर दर्द होता है, पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम, मरीज का आधा चेहरा सूज जाता है। तीसरा सिम्टम, मरीज की जो नोज होती है यहाँ पे ब्लैक पैचेस आ जाते हैं। चौथा सिम्टम, मरीज को साइनस की दिक्कत होने लगती है और सीवियर हेडेक होने लगता है और साथ में फीवर आने लगता है। यह साथियों इसका जो है सिम्टम्स होते हैं। बात कर लेते हैं कारणों की। कारण साथियों, आपकी इम्यूनिटी, जब कोविड का इन्फेक्शन या कोई वायरल इन्फेक्शन आपको होता है तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और यह वीक इम्यूनिटी होने पर यह ब्लैक डेथ हम लोगों के बीच आ जाती है। इसका बहुत ही मेजर ऑपरेशन होता है जब किसी को यह हो जाता है, पूरा जॉस रिमूव करने पड़ते हैं वरना यह फंगस आपके ब्रेन तक पहुँच जाता है। तो साथियों, यह बहुत ही एक कठिन चीज़ है और इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ख़ास तौर से डायबिटिक मरीजों को है। तो साथियों, यह ब्लैक फंगस यानी ब्लैक डेथ की वो जानकारी थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आपको सिम्टम्स मालूम होने चाहिए, आपको कारण मालूम होना चाहिए और यह कब आएगा यह मालूम होना चाहिए। सिम्टम हमने आपको बता दिए, कॉज हमने आपको बता दिया और यह कब आएगा यह बता दिया। कोविड इन्फेक्शन किसी को हुआ है उससे 2 से 3 हफ्ते के बाद यह ब्लैक डेथ आएगी। सिम्टम इसके साथियों मैं फिर बता देता हूं। पहला सिम्टम है आपका आधे फेस में स्वेलिंग, दूसरा सिम्टम है आपका साइनस की दिक्कत या कोल्ड और साथ में फीवर, तीसरा सिम्टम है आपके आंखों के आईबॉल्स में पेन,
चौथा सिम्टम है, आपको जब यह म्यूकोर इसका इन्फेक्शन होता है तो आपके यहाँ पर नेसल जो मेम्ब्रेन यहाँ ऊपर की स्किन होती है इस पर ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, और यह साथियों आता है कोविड के दो से तीन हफ्ते के बाद। तो ये साथियों इम्पॉर्टेंट जानकारी थी इसके विषय में। उम्मीद करते हैं कि आपको एक बेसिक आइडिया इस ब्लैक डेथ का हो गया होगा। अगर साथियों यह वीडियो आपको लाभकारी लगा हो तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा और इसकी अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।